तो दोस्तों बिस्कुट तेल और दूध बेचने के बाद अब बाबा लेकर आए हैं आपके लिए समृद्धि सिम। दोस्तों मैं शुभ जैसा लाख स्वागत करता हूँ शुभलॉजी के एक नए एपिसोड में। और दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ कि स्वामी रामदेव जी ने अपना जो पतंजलि इनकी कंपनी है उसी के ब्रांड के तहत एक नई इंडस्ट्री में उन्होंने एंट्री कर ली है और टेलीकॉम इंडस्ट्री है बेसिकली ये। और यहाँ पे एक सिम लॉन्च किया है जिसका नाम उन्होंने रखा है समृद्धि। बीएसएनएल के साथ टाई अप करके ये सिम उन्होंने लॉन्च किया है, यानी कि बीएसएनएल के जो सिग्नल्स हैं जो टावर्स हैं उनके थ्रू ये समृद्धि सिम रन करेगा। सो बीएसएनएल के साथ टाई अप करके इन्होंने ये समृद्धि सिम लॉन्च कर दिया है। दोस्तों फिलहाल ये जो पतंजलि कर्मचारी उनके लिए हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये आम आदमियों के लिए सर्विस लॉन्च कर दी जाएगी। समझिए इस तरह से कि बीटा वर्जन अभी लॉन्च किया है जो कि उनके एम्प्लॉय पे टेस्टिंग की जाएगी कि नेटवर्क कैसा है वगैरह वगैरह। दोस्तों यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि 144 रुपये का इसमें टैरिफ प्लान दिया गया है समृद्धि की तरफ से। 144 रुपये में आपको 2 GB इंटरनेट मिलेगा, अनलिमिटेड कॉल्स मिलेंगी और 100 SMS मिलेंगे। और इसकी जो वैलिडिटी रखी गई है वो है 28 दिनों की। साथ ही साथ 700 रुपये और 1500 रुपये के भी टैरिफ प्लान लॉन्च किए गए हैं। 700 रुपये में आपको 180 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। वहीं अगर 1500 रुपये तक जो टैरिफ प्लान है इनका उसकी बात की जाए तो उसमें आपको पूरे 365 दिन की वैलिडिटी दी जाएगी, यानी पूरे एक साल तक। साथ ही साथ इसके अलावा अभी बहुत सारे बेनिफिट भी दिए गए हैं। दोस्तों अगर आप समृद्धि सिम खरीदते हो तो आपको जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है वो भी दिया जाएगा दोस्तों पतंजलि की ओर से। साथ ही साथ आप अगर समृद्धि सिम यूज़ करते हो तो पतंजलि के प्रोडक्ट जब आप परचेज करोगे तो उसमें आपको 10% डिस्काउंट भी दिया जाएगा। तो ये स्वामी रामदेव जी ने अपनी नई इंडस्ट्री मतलब टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी एंट्री कर ली है और अपने जो पैतरे हैं जो प्लान है वो अब इसमें भी लागू कर रहे हैं। तो आई होप ये टक्कर दे सकते हैं वोडाफोन आइडिया और एयरटेल को। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए इस सिम को आप खरीदोगे कैसे, तो मैं बताना चाहूँगा कि बीएसएनएल के पूरे देश में 5 लाख से ज़्यादा आउटलेट्स हैं। तो अगर ये आम जो जनता है उनके लिए अगर लॉन्च होता है समृद्धि तो आप उन्हीं आउटलेट्स में जाकर अपना आइडेंटिटी प्रूफ आधार वगैरह दिखाकर ये सिम परचेज कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि बीएसएनएल दिल्ली और मुंबई छोड़ के, यहाँ क्योंकि दिल्ली और मुंबई में एमटीएनएल वर्क करता है, तो उन दोनों जगहों पर अब ये समृद्धि सिम यूज़ नहीं कर पाओगे। दोस्तों कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या पतंजलि का ये समृद्धि सिम है, क्या ये जियो को टक्कर दे सकता है? साथ ही साथ अगर ये लॉन्च होता है तो आप इस समृद्धि सिम को खरीदोगे कि नहीं, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोज़ और टेक्नोलॉजी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। See you soon in my next video. Stay connected. Jai Hind. Vande Mataram.